ब्लू व्हेल के बाद अब 48 आवर चैलेंज नाम का एक और गेम वायरल हो गया है। इस गेम के जरिए फेसबुक में छोटे बच्चों को चैलेंज किया जा रहा है कि वो 2 दिन तक के लिए अपने घरों से गायब होकर बताएं। इस वायरल ट्रेंड में ये भी दावा किया जा रहा है कि बच्चों के गायब होने की अवधि में सोशल मीडिया पर जितनी बार उनके बारे में बातें होंगी उन्हें उतने ही पॉइंट्स दिए जाएंगे। यानी बच्चों के गायब होने के बाद उनके परेशान परिवार वालों और दोस्तों के उन्हें खोजने की अपील करने वाले पोस्ट्स के लिए इन बच्चों को पॉइंट्स मिलेंगे। ये गेम ऑफ 72 नाम की एक अन्य गेम की नकल है जो कुछ साल पहले दक्षिणी यूरोप में वायरल हुई थी। सोशल मीडिया में इस तरह के बेतुके चैलेंज और ट्रेंड्स को हवा दी जा रही है। हाल ही में एक डक्ट टेप चैलेंज भी शुरू हुआ था जिसमें बच्चे एक दूसरे को डक्ट टेप में जकड़ते हुए पोस्ट कर रहे थे। एक बच्चे की आंखों में इस वजह से गहरी चोट आई थी। एक सिनेमन चैलेंज भी था जिसमें लोग एक चम्मच दालचीनी पाउडर खाने के बाद खांसते और उगलते दिखाई दे रहे थे। ये वीडियो मजाकिया था लेकिन डॉक्टर्स ने चेताया था कि इसके कारण किसी की सांसें रुक सकती हैं और फेफड़े भी काम करना बंद कर सकते हैं। सॉल्ट एंड आइस चैलेंज के तहत लोग एक ही मुट्ठी में नमक और बर्फ को साथ बंद कर रहे थे और विजेता वो होता था जो लंबे समय तक ये कर पाता था। नमक और बर्फ के मिलने पर बहुत ही कम टेम्परेचर हो जाता है जिससे कई लोगों को सेकेंड और थर्ड डिग्री बर्न्स भी हो गए थे। टीम इंडिलिंक्स।